हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेज में। आज हम आपको पढ़ा रहे ट्राइंगल रिलेटेड एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। प्रीवियस वीडियोस पे एक एंगल रिलेटेड हमें ट्राइंगल्स पढ़ा चुका हूँ, राइट ट्राइंगल्स को कैसे हम उसको वैल्यूज देखते हैं और कैसे उन वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं एंगल्स को। आज बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की। जब आपको देखिए यहाँ पर एंगल्स ए दिया जाए, बी दिया जाए और सी दिया जाए, तो यहाँ पर देखिए जब आपको थ्री एंगल्स मिलेंगे और लगभग वो बिल्कुल सेम इक्वल मिलेंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पर पहले समझ लीजिए, तो आपको जो एक्स की डिग्री है पहले उसे फाइंड आउट कर लो कि इसमें एक्चुअल में आंसर क्या निकल रहा है। अगर तीनों एंगल सेम है, ध्यान रखिएगा तीनों एंगल सेम है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं। कैसे कर लेंगे, यहां पर देखिए आपको सबसे पहले एंगल ए नोट करना होगा। एंगल ए क्या है, 60 डिग्री। यहां पर देखिए एंगल ए है 60 डिग्री। आप एंगल ए, ये एंगल का साइन होता है तो एंगल ए कहेंगे, कॉमा लगाइए। इसके बाद लिखिए एंगल बी, तो एंगल बी क्या है 60 डिग्री, तो आप इसे भी लिख लो एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री है। और एंगल सी क्या है तो यहां पर लिख लीजिए एक्स डिग्री, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आपको यहां पर थ्री एंगल्स दिए जाएंगे। जब भी आपको थ्री साइड मिले, एक साइड टू साइड थ्री साइड मिले और तीन एंगल आपको दिए जाए तो उसे हम कहते हैं ट्राइंगल्स, ठीक है। जिनमें से आपको टू एंगल्स हमेशा दिए जाएंगे और एक एंगल आपको फाइंड आउट करना होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस देखिए, जिससे आपको सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाए। कोई डाउट्स प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट पे जरूर लिखिएगा, और किस टॉपिक्स के और आपको वीडियोस चाहिए वो भी टॉपिक लिखा करिए, जिससे हम आने वाले वीडियोस पे उन टॉपिक्स की वीडियोस भी आपको अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले फाइंड आउट करिए कि एक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है। क्या करेंगे, आपको थ्री एंगल दिए जाएंगे। इसके लिए फॉर्मूला आपको पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ाया हुआ है, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी क्लिक करके उस वीडियोस को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बहुत ध्यान से उसे भी कवर कर लीजिए। तो फॉर्मूला है एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। जब भी आपको थ्री एंगल दिए जाए तो उन टोटल थ्री एंगल्स का जो वैल्यू होती है 180 डिग्री होती ही है, ठीक है। एंगल ए की वैल्यू क्या है 60 डिग्री पुट कर दो, प्लस एंगल बी की वैल्यू क्या है 60 डिग्री पुट कर दीजिए, प्लस एंगल सी क्या है एक्स डिग्री, यानी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इक्वल टू 180 डिग्री। 60 और 60 प्लस करोगे तो आंसर क्या मिलेगा 120, यहां पे लिख लीजिए 120 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180, ठीक है। अब यहां पर देखिए 120 क्या है, प्लस पे है क्योंकि प्लस का साइन हिडन है, प्लस साइन हो गया 120। ये इसको हम एलएचएस साइड कहेंगे और इसे आरएचएस साइड कहेंगे, तो एलएचएस से इसको आरएचएस की ओर फाइंड आउट कर दीजिए, सॉरी ट्रांसफर कर दीजिए। तो x इक्वल टू क्या होगा 120 है, जब भी इसको ले जाएंगे तो माइनस पे साइन चेंज हो जाएगा 180 माइनस 120। x इक्वल टू जीरो में जीरो माइनस करो जीरो, एट में टू माइनस करो सिक्स, और वन में वन माइनस करोगे जीरो, तो जीरो लिखते नहीं वैसे भी नंबर पहले। यहाँ पे क्या आंसर आया 60 डिग्री, यानी 180 में से 120 माइनस करोगे तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 60 डिग्री, जो कि एंगल c हम कह सकते हैं। एंगल c क्या है 60 डिग्री, इट इज अ राइट आंसर, कंप्लीट हो गए। और x क्या निकल गया है 60 डिग्री, इसको हम भी क्या कहेंगे 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिए फिर से बात, जब भी आपके तीनों एंगल सेम हो, देखिए 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री सभी आपके तीनों सेम हो तो उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। इस बात पे जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चों को नहीं आते उनके नेम्स क्या कहते हैं, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया हुआ राइट ट्राइंगल्स कैसे उसको कहेंगे, तो उस वीडियोस को अगर आप तक अभी तक नहीं पढ़ पाए हो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से वीडियोस पे चेकआउट कर सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। और जब आपको तीनों एंगल सेम मिले 60 60 60 डिग्री के तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे, इट इज अ राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो अब आपको पसंद आए होंगे, बिल्कुल इजी है। इस तरह हम इन क्वेश्चन के जो भी वीडियोस होते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी तरह सॉल्यूशन भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल्स पे, नेक्स्ट वीडियोस पे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए, और कोई मन में कंफ्यूजन डाउट्स हो तो नीचे कमेंट पे आप में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस पे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।